तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम लोग निकल रहे हैं एक लॉन्ग राइड के लिए। भाई तुरंत बाइक की डिलीवरी थी और इसी बाइक से हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको रास्ते में बताते हैं। तो भाई सुबह के बज रहे हैं अराउंड 6 और हम लोग निकल रहे हैं मुंगेर से पटना की तरफ। तो कुछ भाई काम है, कुछ शॉपिंग वगैरह करना है और बाइक में भी कुछ एसेसरीज लगवाना है और कुछ काम करवाना है। तो सोचे बाइक से निकल जाते हैं, एक बार में दो काम हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मौसम हल्का ठंडी वाला हो ही गया है। तो सुबह सुबह भी हम लोग फुल गियर अप और जैकेट पहन लिए हैं कि भाई सुबह ठंड है। और मैंने अपने हेलमेट पे भी वाइजर चेंज कर लिया है, एंटी फॉग वाला लगा दिया, क्योंकि भाई वो टिंटेड वाइजर पे फॉग जम जाता है जिससे विजन प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए चलते हैं आज राइड को एंजॉय करते हुए। न्यू बाइक है तो आराम से, कोई भगाना नहीं है, आराम से 70-80 करके चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधे अब डायरेक्ट हाईवे पे। तो भाई इंटर कर गए हम लोग मुंगेर पुल। ये मुंगेर पुल से फिर ये ख़त्म होगा, उसके बाद बेगूसराय वाला मोड़ आता है जहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न ले लेंगे। फिर हम लोग हाईवे पकड़ लेंगे बेगूसराय वाला, तो उधर से ही निकलते रहेंगे फिर आराम से। तो भाई जैसा कि हम लोग देखे थे रोड पे तो फॉग नहीं है, लेकिन आप साइड देख सकते हैं गंगा किनारे तो फॉग हो ही गया है। तो वैसा भी जन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉग भी कुछ नहीं है, तो आराम से ही चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी राइड पे। नहीं तो भाई एक बार मैं इस ऐसे मतलब अराउंड दिसंबर या जनवरी में जा रहा था भाई, यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा था इतना दूर। तो फॉग में तो बहुत दिक्कत होता है भाई, एकदम शरीर भीग जाएगा आपका। और ऊपर से हेलमेट पर तो आपको क्लीन करते करते परेशान हो जाएगा भाई। एंटी फॉग रहने के बावजूद भी बहुत दिक्कत होता था उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही था भाई। यहाँ से ये ऑटो देख रहे हो यहाँ तक बहुत ठंडी का भाई अलग मज़ा है, ठंडी में ही राइड करने मज़ा आता है क्योंकि हरासमेंट कम होता है। सो मिलते हैं आपसे आगे। भाई देख सकते हैं सुबह सुबह का क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई। सुबह सुबह निकलने के एक ही फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि आपको रोड एकदम खाली मिलता है, आपको कोई ट्रैफिक नहीं, आराम से आप सही से चला सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं। तो हम लोग काफ़ी आराम से जा रहे हैं भाई एंजॉय करते हुए। और भाई ब्लॉग लेट आ रहा था तो उसका मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता ही दिया हूँ कि भाई फेस्टिवल वगैरह था, तो ब्लॉग पर ध्यान नहीं दे पाया भाई, क्योंकि सब इंजॉय कर रहे थे। और ऐसा फेस्टिवल है कि भाई फेस्टिवल को छोड़ भी नहीं सकते हैं कि फेस्टिवल में इंजॉय कर रहे हैं और बाकी ये काम बहुत लोगों ने किया है भाई, वो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे, तो दशहरा था, फिर दिवाली, फिर छठ, तो ये सब में भाई टाइम निकल गया। और भाई रील्स तो भाई मैं रेगुलर डाल ही रहा था, अच्छी अच्छी रील्स देखनी है तो मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो कर लो, रोड रसर 01। तो आपको वहाँ करंट अपडेट और रोज डेली न्यू रील्स मिलती रहेगी, जो जिसने जिसने फॉलो नहीं किया। तो भाई जो जो ने फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो भाई, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, इससे हम लोग मोटिवेट होते रहे और ये अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। ये भाई ट्रक वाले को थोड़ा साइड चाहिए था, हमेशा भाई ध्यान रखा करो हाईवे में कि कौन क्या साइन दे रहा है और कौन क्या इंडिकेटर जलाया हुआ है। और भाई मेरे साथ भी एक पीली है, देख सकते हैं आप मिरर में, वो भी इसको भी हेलमेट पहना दिया हूँ भाई, ऑलवेज वियर हेलमेट। अगर दोनों को पीलियन को भी हेलमेट ज़रूर पहनाओ। हाँ तो भाई कॉल आ गया था बीच में, बोल रहा था कि अभी हम लोग राइट टर्न ये जो रास्ता से जा रहे हैं ये सिंगल लेन है, तो ये रास्ता अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर जब सीधा सीधा वाला हाईवे जुट जाएगा वो बन रहा है अभी, वो लंबा रूट सीधा डायरेक्ट बन जाएगा। तो भाई और भी टाइम बचेगा हम लोग का, क्योंकि अराउंड 60 किलोमीटर का, उसके बाद 60 बख्तियारपुर पहुंच जाएंगे हम लोग, फिर वहां से बख्तियारपुर से 60 किलोमीटर पटना। तो अभी तो मैं फ़िलहाल भाई पीछे बैठ के आराम से बैठा हूँ, भाई चला रहा है और भाई पीछे भी बैठ के एकदम कम्फर्टेबल है। और ये पीछे जो इसका भाई रॉड रहता है वो थोड़ा चुभ रहा है, तो इसको मैं भाई कुशन लगवा लेंगे। तो पटना जा ही रहे हैं इसीलिए कुछ मॉड्स इसका करवा ले, और मेन रीज़न मेरा कुछ काम है तो सोचे बाइक से ही चल लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारे शायद गवर्नर था ना, ये गवर्नर जा रहे हैं भाई, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, दोनों भाई मुंगेर ही जा रहे हैं क्योंकि आज मुंगेर में कुछ उद्घाटन है। हाँ, वो ब्लैक वाला जो कार गया था वो गवर्नर का था, और मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं हमारे नीतीश कुमार मुंगेर में। आज डीजे कॉलेज में कुछ किसी चीज़ का उद्घाटन है, प्रॉपर हमको नहीं पता है क्या चीज़ का उद्घाटन है, तो वहीं सब जा रहे हैं। इसीलिए पूरा रास्ता हम देखते हुए आ रहे थे कि पूरा पुलिस की भरा हुआ है सब जगह। तो थे हम लोग एक टी ब्रेक के लिए, कुछ नाश्ता वगैरह कर लिए और ये बख्तियारपुर पे आ गए भाई, और हम लोग चलेंगे अभी 4 लेन पे। तो भाई हम लोग को अप्रॉक्स 60 किलोमीटर और चढ़ना है, चलना है। हेलो, क्या भैया रॉन्ग साइड से आ रहे हो? यहाँ से लेना है राइट, वहीं गए थे वहाँ। ये देखो भाई ट्रिपल घूम रहे हैं, इतना तेज और लड़की को बैठा के भाई। एक तो ट्रिपल घूमना नहीं है भाई, एक तो भाई ट्रिपल घूमना नहीं चाहिए, घूम भी रहे हो तो भाई सेफ्टी से घूमो, चलान तो कटेगा ही। और हम लोग का भाई नंबर प्लेट अभी नहीं है, तो हम लोग एक सटवा देंगे जाके रुकते ही, पटना रुकते ही, क्योंकि भाई 22 नंबर है तो नंबर तो पता ही है, बट INDI वाला नहीं आया है तो पहले इसका नंबर लगा देंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू होता है ये वाला हाईवे अराउंड 60 किलोमीटर का, तो चलते हैं आराम से। यहाँ देख सकते हैं आप 50 किलोमीटर पटना, उसके बाद तो फिर रस पड़ेगा ही है। भाई हम लोग को आने में 3 घंटा लग गया है, अराउंड 150 किलोमीटर आने में, क्योंकि भाई हम लोग 70-80 से नीचे ही चल रहा है, क्योंकि भाई न्यू बाइक है, तो न्यू बाइक का फर्स्ट सर्विस से पहले से 60-70 ही चलना चाहिए, तो हम लोग 70 पे ही चल रहे हैं उस टाइम से। तो ये बात है कि कहीं रुके नहीं, इसलिए 3 घंटा लगा रहे, तो भाई और लेट लगता, और अभी जस्ट बख्तियारपुर में रुके थे, फिर अब डायरेक्ट पटना पहुंचते हैं। तो भाई पहुंच गए हैं हम पटना, और आपको ट्रैफिक देख के समझ आ ही रहा होगा कि भाई हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, क्योंकि भाई ट्रैफिक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं गाइस, सो होप करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। तो मिलते फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, अंटिल देन बाय बाय, राइट सेफ एंड कीप लविंग।